हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेशिया। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे अराउंड पे फैली हुई है और इसका अभी तक कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन हम अगर इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम परस्पेक्टिव देखें तो इससे रिलेटेड एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये तो मान के चलेंगे कि इस साल कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पक्के आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ तो पीछे मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ जो कि कोविड-19 से रिलेटेड थी वो सारी आपसे डिस्कस की थी। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में मैं आपके लिए नेशनल न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि नेशनल न्यूज़ जो भी कोविड-19 से रिलेटेड होगी वो सारी हम पढ़ेंगे। सो मेन फैक्ट जो होंगे वो मैं आपको सीधा डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा है ना कोविड-19 से रिलेटेड कि सारी की सारी कवर कर पाना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस लेक्चर में मैं बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल वाली, कहीं वो ना आपकी स्किप हो जाए, वो ना रह जाए, उसको मैं इकट्ठी करके लेकर आया हूँ। और ये मार्च मंथ से मई मंथ तक की जितनी भी है, सो मार्च टू मई मंथ की जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ कोविड-19 से रिलेटेड है वो सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखते रहना और सभी को याद कर लेना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंडिया ने $10 मिलियन जो कि सार्क नेशंस के लिए रखा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सार्क नेशंस के लिए इंडिया कितनी अमाउंट ग्रांट दे रहा है। तो $10 मिलियन इंडिया कोविड-19 की इमरजेंसी के लिए, सो कोविड-19 इमरजेंसी फंड के तौर पे सार्क नेशंस को दे रहा है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि अमाउंट कितनी दी। दूसरी बात, सार्क नेशन की बात हो रही है तो सार्क की फुल फॉर्म आप जानते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। सार्क 1985 में बना था और इनके सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है, इसाला वाराकोन। सो नेक्स्ट देखिए आगे, केरला गवर्नमेंट लॉन्चेस ब्रेक द चेन कैंपेन टू कॉम्बैट कोरोना वायरस। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ब्रेक द चेन, ये जो चेन रिएक्शन बन गई है कि फैलते ही जा रहा है, तो ब्रेक द चेन कैंपेन सबसे पहले भारत में किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने चलाया, तो आपने ये याद रखना है, केरला गवर्नमेंट। सो केरला गवर्नमेंट लेकर आई थी ब्रेक द चेन। तो इसमें देखिए हम क्या पॉइंट याद रख सकते हैं, तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर कौन है, अरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली अपनी INS विश्वकर्मा को एक क्वारंटाइन कैंप बना दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने किस INS को, इंडियन नेवल शिप, किस INS को अपना क्वारंटाइन कैंप बनाया। तो ये बनाया किसको है, विश्वकर्मा। तो ये आपने नाम याद रखना है, INS विश्वकर्मा, ठीक है। और इसमें हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं कि इस समय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, तो आपने याद रखना है, एडमिरल करमवीर सिंह। सो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस समय कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए आगे देखते हैं, अभी रिसेंटली जैसे हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जनता कर्फ्यू लगाया था, तो जनता कर्फ्यू कब लगाया था, 22 मार्च। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने बस बेसिक सी नॉलेज है कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज कर्फ्यू एंड लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन नेम कोवा। सो आपने याद रखना है कि भारत में सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाली स्टेट कौन सी बनी थी, पंजाब गवर्नमेंट। वेयर एज इन्होंने जो एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 के लिए उसका नाम है कोवा, COVA। तो आपने ये याद रखना है। प्लस अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड-19 से रिलेटेड एक और ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर निगरानी। तो आपने याद रखना है पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सी लॉन्च की है, घर घर निगरानी। सो दो एप्लीकेशन है, एक कोवा और दूसरी घर घर निगरानी। नेक्स्ट, रिलायंस सेटअप इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन मुंबई। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अभी रिसेंटली क्या किया, मुंबई में पहला कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया था। तो अभी देखिए, ये तो हम आज की बात करें, अब तो जून चल रहा है, जून भी ख़त्म होने वाला है, तो मार्च मंथ की ये न्यूज़ है कि सबसे पहला, जैसे हम पढ़ेंगे जब रिवीजन करेंगे, तो मैं आपकी एक तरीके से रिवीजन ही करा रहा हूँ, है ना। तो इस रिवीजन में आपने ये देखा कि इंडिया में सबसे पहला जो कोरोना से रिलेटेड एक हॉस्पिटल बनाया गया था, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था, तो वो रिलायंस ने सबसे पहले कहाँ पर बनाया, मुंबई में बनाया। तो आपने याद रखना है, रिलायंस ने इंडिया का सबसे पहला
कोविड-19 से रिलेटेड लड़ने के लिए एक हॉस्पिटल बनाया था मुंबई में। नेक्स्ट, रिलायंस इंडिया लिमिटेड फाउंडर कौन थे? धीरूभाई अंबानी। वेयर एज इनके सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं, सुनील छेत्री। तो आप जानते हैं कि बहुत ही फेमस और अच्छे प्लेयर हैं हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के, वो हैं सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री को फीफा का एक कैंपेन में सिलेक्ट किया गया। तो फीफा ने भी कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए मेन जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी को इकट्ठा किया और एक कैंपेन चलाया जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कोरोना वायरस को ईजिली कॉम्बैट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन इंडियन फुटबॉलर वॉज सेलेक्टेड बाई फीफा फॉर इट्स कैंपेन? सो ही वॉज सुनील छेत्री। तो आपने ये नाम याद रखना। तो फीफा की बात करें, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा बना कब था? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। तो आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर टेक्स इनडेलिबल इंक फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्टैम्प पीपल फॉर होम क्वारंटाइन। सो देखिए, अभी जैसे हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं तो उनका चेकअप किया जाता है। तो चेकअप के दौरान अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पर्सन निकलता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है ना। फिर उसके बाद जो नहीं होता तो उनको भी हमने ये तो निशानी रखनी है कि इनका हो चुका है, प्रॉपरली ये क्लियर है, तो इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके लिए क्या है कि एक मतलब 1 मंथ तक तो प्रॉपरली रहेगा ना कि इनका चेकअप हो चुका है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो हम वोट डालते समय इंक यूज़ करते हैं उस इंक का इस्तेमाल किया है फॉर होम क्वारंटाइन पीपल। तो जिनको घर पे रहने के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया तो उनके ऊपर ये इंक लगा देते हैं। तो जिनको इंक लगा दी, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो ऐसी इंक वो लगा देते हैं। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि ये पर्सन होम क्वारंटाइन किया हुआ। वैसे भी 14 दिन के लिए रखते थे और ये इंक भी रफली 2 हफ्तों से ज़्यादा तो चल ही जाती है। क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है। हमारे हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? सुनील अरोड़ा। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना। चलिए आगे, ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेस मो जीवन प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मो जीवन प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो मो जीवन में क्या है कि जो नवीन पटनायक जी है, इन्होंने अपनी सिटीजन जो स्टेट गवर्नमेंट है ओडिशा की, उनको ये कहा कि आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप पहली बात घर से बाहर मत निकलिए। घर से बाहर निकलोगे तो आप घर पर जब आओगे तो बहुत ज़्यादा चांस है आप अपने साथ कोरोना वायरस को लेकर आओगे। तो आपने हमेशा सैनिटाइजेशन करनी है, मास्क पहनने रखना और ग्लव्स डाल के रखने हैं, ठीक है। और जब भी आप घर से वापस आओगे तो आपने हैंड वॉश करना है मिनिमम 20 सेकेंड। तो ये मो जीवन प्रोग्राम में उन्होंने यही बताया ओडिशा गवर्नमेंट के सीएम ने। तो सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर। चलिए आगे, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस रिलीफ पैकेज अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो आपने याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किनके द्वारा अनाउंस की गई? फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें रिलीफ पैकेज कितना है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आप बताएंगे कि कितना रिलीफ पैकेज ये लॉन्च किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। चलिए आगे, इंडियाज लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल टू बी सेटअप इन ओडिशा। तो देखिए, भारत का पहला कोविड-19 से रिलेटेड वो बना था मुंबई में, लेकिन सबसे बड़ा कोविड-19 से रिलेटेड जो हॉस्पिटल बना वो बना ओडिशा में, ठीक है ना। तो ओडिशा के बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहेंगी, तो आपने याद रखना है ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया। तो वही सेम आगे सीएम और गवर्नर जी। नेक्स्ट, शिल्पा शेट्टी। तो आप जानते हैं शिल्पा शेट्टी को। तो शिल्पा शेट्टी पार्टनर्स विद फिट इंडिया मूवमेंट। तो शिल्पा शेट्टी ने अभी रिसेंटली किनके साथ पार्टनरशिप की है? फिट इंडिया मूवमेंट के साथ, सच डेट टू अवेयर द सिटीजन अबाउट द कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फिटनेस चाहिए, तो वो फिटनेस के लिए मतलब ये जो कैंपेन एक तरीके से चलाया जाएगा शिल्पा शेट्टी के द्वारा। और इन्होंने पार्टनरशिप किन के साथ किया है? फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें ये बताएंगे कि कैसे हमें फिट रहना है इस दौर में। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे इस समय यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो किरण रिजिजू। तो आपने याद रखना है किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी चीफ स्टार्ट्स
ऑपरेशन नमस्ते टू कॉम्बैट COVID-19। सो देखिए, इंडियन आर्मी ने भी COVID-19 से लड़ने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या रखा है, ऑपरेशन नमस्ते, जिसमें इंडियन आर्मी हेल्प करेगी सिटीजन को COVID-19 से लड़ने के लिए। क्लियर है? तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि हमारे इस समय आर्मी चीफ कौन है। तो जैसे हमने पीछे एडमिरल पढ़े थे, तो सिमिलरली हम आर्मी चीफ भी याद रखेंगे। सो हमारे इस समय आर्मी चीफ कौन है, जनरल मनोज मुकुंड नरावने। तो आपने पॉइंट याद रखना है। और इनका मोटो क्या है इंडियन आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ। चलिए आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कॉन्स्टिट्यूट टीम 11 टू बियर कोरोना। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने 11 कमेटी बिठाई थी, जिसमें जो 11 कमेटीज बिठाई गई, जिसमें सभी को अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई कि कैसे हम कोरोना वायरस के इस दौर में हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए और इसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़ पाए हमारी सिटीजन पे और हमारी स्टेट पे। तो स्टेट के रेवेन्यू को भी बचाना है और हमने हाइजीन बनाकर रखनी है और सभी को कोरोना से भी बचा के रखना है। तो उसके लिए टीम 11 नाम का ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया था, तो ये किसके द्वारा चलाया गया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और यहां के गवर्नर कौन है, नंदीबेन पटेल। ठीक है, तो आगे देखिए। सिमिलरली ऐसी 11 एम्पावर्ड ग्रुप, 11 जैसे वो टीम 11 चलाया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ऐसी सीएम, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 एम्पावर्ड ग्रुप चलाया गया नरेंद्र मोदी मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें भी 11 पीपल जो होंगे, ग्रुप बनाए जाएंगे, जो कि पर्टिकुलर कोरोना वायरस से डील करेंगे। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पेंशंस। तो इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश जिनके सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी। तो आपने याद रखना है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने एक मोबाइल हैंड वॉश बनाया, मीन्स एक ऐसा मूवेबल हैंड वॉश जहाँ पर हर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर अपना हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश कर सकता है। और जिनकी जो पेंशन्स की प्रॉब्लम थी, तो उनको घर घर जाके पेंशन दी जा रही है। ठीक है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर घर जाके पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन लॉन्चेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। तो उनके द्वारा स्टूडेंट्स के लिए एक पोर्टल खोला गया AICTE के द्वारा, जिसका नाम क्या है, MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। तो आपने याद रखना ये। तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं, हमारे HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल, जिनको निशांत भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ओडिशा लॉन्चेस ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन। तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, ऑनलाइन कल्चरल कंपटीशन, जिसको बोला गया मो प्रतिभा। तो मो प्रतिभा नाम का ओडिशा के द्वारा कल्चरल कंपटीशन कंडक्ट कराया गया, जिसमें उनके कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की जाएगी और जो जीतेगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो ओडिशा गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है कि लोगों को हम प्रॉपरली किसी न किसी डायरेक्शन में लगाए रखें और वो COVID-19 में कोई गलत कदम ना उठा पाए। ठीक है, सो मो प्रतिभा यहाँ पर चलाया गया, इससे पहले हमने पढ़ा था मो जीवन। क्लियर है जी? चलिए, और ये जो मो प्रतिभा है, इन्होंने ये यूनिसेफ के साथ मिलकर ये चलाया है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्ट एसेंशियल ड्रग्स टू मालदीव्स अंडर ऑपरेशन संजीवनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने किस कंट्री के साथ ऑपरेशन संजीवनी कंडक्ट कराया, सच दैट उनको जो मेन जो रिक्वायरमेंट रहती है ये ड्रग्स की, वो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो वो ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव्स के लिए चलाया था। तो हमारे एयर चीफ मार्शल इस समय कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इंडियन एयरफोर्स कब बनी थी, 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, चलो हमारा एक और पॉइंट है, सिविल सर्वेंट लॉन्च कोरोना इनिशिएटिव टू फाइट कोरोना वायरस। तो देखिए, सिविल सर्वेंट्स जो है, इन सभी ने मिलकर एक प्रोग्राम कंडक्ट कराया, स्टार्ट कराया, जिसका नाम दिया कोरोना। तो कोरोना की फुल फॉर्म क्या है, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर की तरह माना गया इसको। तो इस समय में सिविल सर्विसेज वाले तो वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। वी सेफ टनल इंस्टॉल्ड इन तेलंगाना टू सैनिटाइज पीपल। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा, वी सेफ टनल, जिसमें अगर कोई डिपार्टमेंट में घुसेगा तो वो इस मशीन के थ्रू घुसेगा, सच डेट वो सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सैनिटाइजेशन करने के लिए वी सेफ टनल कहाँ पर लगाई गई,
तेलंगाना में, तो आपने याद है वी सेफ टनल है। तो तेलंगाना की बात करें, वहाँ के सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव, और वहाँ के गवर्नर है तमिलीसिलाई सुंदर रंजन। नेक्स्ट, सिविल एविएशन लॉन्चेस लाइफ लाइन उड़ान इनिशिएटिव। तो हमारे सिविल एविएशन की बात करें, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया लाइफ लाइन उड़ान, तो उड़े देश का आम नागरिक। तो इसमें क्या होगा कि जो कोरोना वायरस से रिलेटेड या उनसे पीड़ित जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए, मतलब अगर उनको मूव करना पड़े एक रीजन से दूसरे रीजन, जहाँ पर हॉस्पिटलाइज करना पड़े या उनके इलाज के लिए, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट भी मदद करेगा। तो उन्होंने कौन सा प्रोग्राम चलाया, लाइफ लाइन उड़ान। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लॉन्चेज समाधान चैलेंज टू फाइट कोरोना वायरस। तो कोविड 19 से लड़ने के लिए एक समाधान नाम का कैंपेन चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। ठीक है, तो समाधान मीन सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो इसमें ये जो भी आप प्रॉब्लम्स पूछोगे उनका ये समाधान देंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा ये चलाया गया। ठीक है जी, तो ये आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ याद रखने हैं कि मिनिस्टर कौन है यहाँ के, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर कोविड 19 इंश्योरेंस विद भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें देखिए, जब बैंकिंग वाले इंश्योरेंस सेक्टर के साथ मिलकर कोई काम करे, उस वहाँ पर टर्म यूज़ होता है बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, कोविड 19 के रिलेटेड। ठीक है, सो कोविड 19 इंश्योरेंस के लिए उन्होंने भारती एक्सा, एयरटेल पेमेंट बैंक, सो एयरटेल पेमेंट बैंक और भारती एक्सा दोनों इकट्ठे होकर इस इंश्योरेंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेज 5T प्लान। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने 5T प्लान स्टार्ट किया है, जिसमें 5 T's क्या क्या हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क, ट्रैकिंग। तो ये सारे प्लान को, ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट 5T प्लान लेकर आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वहाँ के गवर्नर अनिल बैजल। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के सिपाही डिलीवरी एसेंशियल मेडिसिन अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारी मेडिकल स्टोर्स हैं, तो उनको नाम दिया गया, वहाँ से क्या होगा, डिलीवरी की जाएगी एसेंशियल मेडिसिंस की, तो उसको नाम दिया स्वास्थ्य के सिपाही, जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरतमंद मेडिसिंस होंगे उनको डिलीवर करेंगे, तो ऐसे नाम दिया गया स्वास्थ्य के सिपाही। तो ये प्रोग्राम किसके अंडर चलेगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है जी, आगे देखिए, सिडबी टू प्रोवाइड एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू MSME। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल, सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोवाइड कौन करेगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिडबी, तो सिडबी के अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करें, यहाँ के एग्जीक्यूटिव कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा। यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिडबी का, लखनऊ। तो ये दोनों पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL टीम्स अप विद यूनिसेफ टू सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट कोविड 19। तो अभी HUL ने, ये हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस, तो HUL को हम जानते हैं कि जैसे ये सोप और काफ़ी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाती हैं, तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड 19 से रिलेटेड जो अब प्रोडक्ट बनाने हैं उसमें ऐसे वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे या फिर ऐसे उन्होंने रसायन यूज़ करने हैं जो कि कोविड 19 के अगेंस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना, मतलब जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, मतलब ऐसे टाई अप किया गया यूनिसेफ ने HUL के साथ। तो यूनिसेफ के इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, हेनरिटा H4। ठीक है, तो आपने याद रखना है यूनिसेफ के फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। नेक्स्ट, ऑपरेशन शील्ड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान। तो ये दोनों किसके द्वारा चलाए गए, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD लॉन्चेस भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। तो ये कैंपेन चलाया गया भारत पढ़े ऑनलाइन, तो ऐसे पूछा जा सकता है भारत पढ़े ऑनलाइन इनमें से किस डिपार्टमेंट के द्वारा कैंपेन चलाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा। मणिपुर गवर्नमेंट स्टार्ट्स न्यू इनिशिएटिव फूड बैंक टू हेल्प द पुअर। तो गरीबों की मदद के लिए एक ऐसा बैंक बनाया गया जहाँ से खाना दिया जाएगा। तो ये कारनामा करने वाला भारत का राज्य कौन सा बना है, मणिपुर। तो मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, और वहाँ के गवर्नर कौन है, नाजमा अब्दुल्ला। तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, सेंटर प्लान्स टू सेटअप सुरक्षा स्टोर्स टू मीट डेली नीड्स। तो देखिए, सुरक्षा स्टोर्स मीन्स जहाँ पर आपको मेडिसिन मिलेगी, तो सेंटर ने प्लान किया है सुरक्षा स्टोर्स
जहाँ से आप डेली नीड्स जो बेसिक एसेंशियल गुड्स होंगे, चाहे वो मेडिकल स्टोर से मिल रहे हो, चाहे वो करियाना स्टोर हो, तो यहाँ पर सुरक्षा स्टोर्स उनको बोला गया। ठीक है, आपने ये पॉइंट याद रखा, और मेनली फोकस मेडिकल स्टोर पे है। अहमदाबाद स्टेशन बिकम फर्स्ट स्टेशन टू गेट सैनिटाइज्ड टनल। ठीक है, सो सैनिटाइजेशन टनल लगाने वाली भारत की पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? अहमदाबाद स्टेशन। तो आपने ये याद रखना, भारत का पहला स्टेशन बना है अहमदाबाद स्टेशन, जहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल लगेगी। तो चेयरमैन कौन है हमारे रेलवे बोर्ड के समय? विनोद कुमार यादव। और इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। और हमारे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास एक और मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, केरला सेटअप टू ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो भारत में केरला पहला राज्य बना जिसने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की थी कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो केरला, ये हम पढ़ चुके हैं इनके बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट, येस बैंक एक्सटेंडेड बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, भारतीय एक्सा ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किया है टाइप, और ऐसे ही येस बैंक ने किसके साथ किया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है ना, अब इंश्योरेंस की तो जरूरत, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना, कोविड-19 की वजह से। और इस समय में देखिए, कोई इतने ज़्यादा क्लेम्स भी नहीं लोगों ने लिए होंगे, तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर और ये सेक्टर दोनों मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ये टाइम है इसको बढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट, एम्स सेटअप इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम इन ऋषिकेश। तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, ने ऋषिकेश में भारत का पहला हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे आप जानते होंगे कि घर बैठे ही अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सीधा डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जो बेसिक रिपोर्ट होगी वो आप डॉक्टर को दिखाएं घर बैठे ही थ्रू ऐप। तो ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है एम्स के द्वारा ऋषिकेश में टू मॉनिटर कोविड-19। सो डॉक्टर घर, डॉक्टर पेशेंट को दूर से ही चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बिकेम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स। अब इसमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग होता क्या है कि जैसे मैं बोलूँ कि एक एक व्यक्ति का ब्लड टेस्ट करना है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक एक पर्सन का बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पूल टेस्टिंग में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप बनाते जाएंगे, मतलब 100-100 के ग्रुप बनाए गए, है ना। तो 100 लोगों का ग्रुप का जो ब्लड होगा इकट्ठा ही हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। तो अगर वो ग्रुप को चेक कर लिया, वो जो इकट्ठा करने में ब्लड को चेक कर लिया, अगर वो सारा नेगेटिव आ गया, इट मीन्स उन सभी को कोरोना नहीं होगा। तो अगर इससे क्या होगा, स्पीड होती है, मतलब जल्दी जल्दी चेकअप हो जाएगा। तो पूल टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा टू चेक कोविड-19 सैंपल्स। ठीक है, चलिए आगे। टूरिज्म मिनिस्टर लॉन्चेस देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने लॉन्च किया क्या है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है इस समय? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, प्रहलाद सिंह पटेल। सो नेक्स्ट न्यूज देखिए, BCCI क्रिएट्स टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19। तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा था ना इंटरनेशनल न्यूज़ में, वी विल विन कैंपेन जो कि फीफा के द्वारा चलाया गया, ऐसे सिमिलरली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, जिनके 39th प्रेसिडेंट इस समय कौन है? सौरव गांगुली। उन्होंने बोला, तो उन्होंने मिलकर टीम मास्क फोर्स, तो ये कैंपेन चलाया गया जिसमें उन्होंने प्रमोट किया मास्क का पहनना। तो मास्क की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया। तो ये देखिए आप स्क्रीन पे प्लेयर्स को देख पा रहे हैं, सौरव गांगुली, विराट कोहली, तो ऐसे सभी प्लेयर्स ने इसको प्रमोट किया। नेक्स्ट देखिए आगे, HDFC बैंक स्टार्ट्स HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। तो HDFC बैंक ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया गया। उसका नाम आपने याद रखना है, HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी फॉर्म एयर इवैक्यूएशन पोर्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो कोविड-19 पेशेंट जो हैं उनके लिए इंडियन नेवी ने एक एयर इवैक्यूएशन पोर्ट बनाया, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बॉक्स बनाया जिसमें कोविड-19 पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, मतलब एक तरीके से टेम्परेरी वेंटिलेटर भी लगा होगा। तो ऐसा बनाया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, तो इसके इस समय नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश रोल्स आउट ई संजीवनी OPD फॉर फ्री मेडिकल कंसल्टेशन टू सिक पीपल। तो हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवनी बनाया है, तो आपने याद रखना है, ये फ्री कंसल्टेशन
बनाया गया, मतलब अगर किसी को बेसिक मेडिकल नॉलेज चाहिए होगी, कोई पर्सन या नहीं उनको नॉलेज हो रही बिल्कुल नहीं पता, तो वो हिमाचल प्रदेश में मतलब ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ई संजीवनी ओपीडी बनाया गया फॉर मेडिकल कंसल्टेशंस के लिए, ये कहाँ पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री स्टार्ट्स कोविड इंडिया सेवा टू एड्रेस सिटीजन क्वेरीज। सो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री अंडर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो उनके द्वारा स्टार्ट क्या किया गया, कोविड इंडिया सेवा, तो ये याद रखना कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्चेज डैशबोर्ड विद लिस्ट ऑफ ढाबाज एंड ट्रक रिपेयर शॉप्स। तो देखिए, इसे कोविड 19 की वजह से हर ढाबे और जो ट्रक शॉप है वो बंद हुए पड़े हैं, तो कोविड 19 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिनके मिनिस्टर कौन है, नितिन जयराम गडकरी ने अपने डैशबोर्ड पे जो जो एक्टिव ढाबाज ट्रक शॉप हैं उनकी नॉलेज के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के द्वारा ये काम किया गया। नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट गिव्स अप्रूवल टू सुजालम सुफालम जल सिंचाई अभियान टू डीपनिंग ऑफ लेक्स चेक डैम्स एंड रिवर्स बाय रिमूविंग सिल्ट। तो कोविड 19 के समय में सर हर जगह एकदम शांत है, हम कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उनको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने अपने वहाँ पर जो रुका हुआ प्रोजेक्ट सुजलम सुफलम जल सिंचाई अभियान उसको स्टार्ट कर दिया है, इसको अप्रूवल दे दी है, जिसमें क्या होगा जो लेक्स की डीपनिंग उसमें जो सिल्ट होता है उसको निकाला जाएगा, डैम्स को क्लियर किया जाएगा, रिवर्स को क्लियर किया जाएगा। तो आपने याद रखना है सुजलम सुफलम जल सिंचाई अभियान किस स्टेट का स्टेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपने ही याद रखना है गुजरात गवर्नमेंट का। केरला पंथमित्रा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट्स तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग। तो ये तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट या फिर कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, केरला के भी किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, पंथानामिथिता, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है जी, पंथानामिथिता। नेक्स्ट, एनबीटी एंड फिक्की ऑर्गेनाइजेस वेबिनार ऑन पोस्ट कोविड पब्लिशिंग सिनेरियोज कोरोना स्टडीज सीरीज। तो कोरोना के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसको प्रॉपर से हम लोगों को बता पाएँ कि कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसका रिजल्ट रहा, मतलब जो भी होगा उस सारी की इन्फॉर्मेशन एनबीटी और फिक्की मिलकर एक वेबिनार चलाएंगे जिसमें ये चीज़ बताई जाएगी, और उसका नाम क्या है, कोरोना स्टडीज सीरीज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट विद इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। तो वर्चुअल कोर्स स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये आपने याद रखना, उत्तर प्रदेश ने भी काफ़ी न्यूज़ रखी है हमारे लिए, तो उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी कोशिश कर सकते हैं। आगे, असम गवर्नमेंट स्टार्ट्स धनवंतरी स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन। तो इस कोरोना वायरस के समय में हर व्यक्ति को मेडिसिन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही, तो बहुत दूर दूर जाना पड़ा, या फिर दुकानें बंद रही, या कोई भी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम रही होगी, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए असम गवर्नमेंट ने धनवंतरी स्कीम स्टार्ट की, जिसमें घर बैठे ही आपको मेडिसिन मिलेगी। सो होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन के लिए धनवंतरी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, केरला हॉस्पिटल्स डिप्लॉयज कर्मी बोट रोबोट टू सर्व कोविड 19 पेशेंट्स। तो केरला हॉस्पिटल में कर्मी बोट नाम का एक रोबोट रखा गया है, जो कि कोविड 19 से डेडिकेटेड जितने भी पेशेंट्स होंगे उनसे डील करेगा, ठीक है, सच के कोरोना का जो इफेक्ट है वो बाकी डॉक्टर्स या नर्सेज पे ना पड़ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कर्मी बोट बनाया गया। तो आपने ये याद रखना, कर्मी बोट नाम का रोबोट किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया गया। नेक्स्ट, RBI अनाउंसेस 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए RBI ने 50,000 करोड़ एज अ अमाउंट रखा, किसके लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो RBI के द्वारा ये रखा गया। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बिकम फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू लॉन्च प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड 19। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इंडिया का पहला स्टेट कौन सा प्लाज्मा थेरेपी वाला, वो है केरला, बट अगर बात की जाए हॉस्पिटल कौन सा गवर्नमेंट, तो वो है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। सो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे स्टूडेंट टीम डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर रूहदार। तो IIT बॉम्बे ने एक ऐसा लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया जिसका नाम क्या रखा है, रूहदार। तो आपने ये याद रखना IIT बॉम्बे, और आपने ये भी पॉइंट याद रखना है कि IIT बॉम्बे इंडिया का टॉप का यूनिवर्सिटी है जो कि क्वेश्चनल असाइनमेंट की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें टॉप पे इंस्टीट्यूट कौन सा है, IIT बॉम्बे, ठीक है। इसका रैंक वर्ल्ड में क्या है,
172। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल जेंट मारुति सुजुकी डेवलप लो कॉस्ट वेंटिलेटर विद एग्वा हेल्थ केयर। तो मारुति सुजुकी ने भी लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनवाना है किसके साथ मिलकर, एग्वा हेल्थ केयर के साथ मिलकर। वेयर एज IIT बॉम्बे ने नाम क्या रखा है, रूहदार। नेक्स्ट, CSIR CMERI डेवलप हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो कोरोना वायरस के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक क्या मशीन बनाई है, डिवाइस क्या बनाई है, हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। नेक्स्ट, IIT दिल्ली टीम डेवलप COVID-19 डैशबोर्ड प्रकृति। तो IIT दिल्ली ने क्या बनाया, प्रकृति नाम का डैशबोर्ड बनाया COVID-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है जिसका नाम क्या रखा है, जीवन अमृत योजना, जिसमें वो त्रिकुट चूर्ण देंगे। मतलब एक ऐसा चूर्ण होगा जिसमें बहुत ही इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जड़ी बूटियाँ का बनाया होगा, तो वो त्रिकुट चूर्ण बनाएंगे जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये किस स्कीम के अंडर है, जीवन अमृत योजना के अंडर। नेक्स्ट, NCSTC एंड DST लॉन्चेस यश टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और NCSTC ने मिलकर यश कैंपेन चलाया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो ये आपने याद रखना, COVID-19 से रिलेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनके मिनिस्टर कौन है, हमारे हर्षवर्धन जी। नेक्स्ट, CSIR CSO डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन फॉर डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो ये एक डिसइंफेक्शन मशीन बनाई गई है CSIR CSIO के द्वारा। HDFC बैंक रिलीजेस हम हार नहीं मानेंगे। तो हम हार नहीं मानेंगे कैंपेन जो टैगलाइन है, ये किस बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है, चलाई गई है, HDFC बैंक के द्वारा। तो ये याद रखना है, ये सॉन्ग किसके द्वारा रिलीज किया गया, हम हार नहीं मानेंगे, HDFC के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेज मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा। तो आपने याद रखना है, कोविड कथा के ऊपर एक बुक रिलीज की गई डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा, जिसका नाम है कोविड कथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी लॉन्चेज ऑपरेशन समुद्र सेतु। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स हु वर स्ट्रैंडेड ओवरसीज। जो बाहर देशों में फंस चुके हैं उनको वापस भारत में लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या रखा, समुद्र सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस वंदे भारत मिशन। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन भी चलाया जो कि बाहर से इंडियंस को लेकर आएंगे बाय प्लेन, बाय एयरक्राफ्ट जो आएंगे वो होंगे वंदे भारत मिशन के अंडर, और दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु वो सी रूट से आएंगे। एंड लास्ट न्यूज देखिए, इंडिया स्टार्ट्स मिशन सागर टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन EIO। तो आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने हर एक न्यूज़ को बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में आपको समझाया और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट वो मैं साथ साथ बताता गया। तो आपने इस वीडियो को बस एक बार देख लो, फिर उसके बाद प्रॉपरली मेन अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जितने भी मिलते हैं वो नोट डाउन कर लो, फिर अगर उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको एक वीडियो देखते ही काफ़ी पॉइंट्स याद हो जाएंगे, दोबारा देखने पे मोस्टली सारे याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल वे से आपको सारे समझाए हैं इसमें, आपने जितने भी एप्लीकेशन होगी, स्कीम्स होगी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सारी आपने याद रखनी है, क्लियर है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट एंड आस्क अस फ्रॉम द गिवन ईमेल ID एंड WhatsApp नंबर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।